चाइना के खिलाफ चल रहे टसल के बीच भारत अपने सभी टैक्टिकल सिस्टम को अपने अपने राइट प्लेस के ऊपर रख रहा है, और इसी कड़ी में अब भारत ने प्रलय मिसाइल को रॉकेट फोर्स के अंदर इंडक्ट करने की पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली है। भारत एक रॉकेट फोर्स बना रहा है जिसमें 150 से लेकर 2000 किलोमीटर तक के सभी कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल शामिल किए जा रहे हैं। इसमें जो भी मिसाइल शामिल होंगे वो एक बेहद ही एडवांस और इजी डिप्लॉयबल मिसाइल होगा। मतलब कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में रॉकेट फोर्स डिफरेंट पोजीशन से एक साथ एनिमी के सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स के ऊपर अटैक लॉन्च कर पाएगा और उसे इजीली न्यूट्रलाइज कर पाएगा और तुरंत ही उस जगह से फिर मूव भी कर पाएगा। ये रॉकेट फोर्स स्पेशली चाइना के खिलाफ ही बनाया जा रहा है, जिसमें प्रलय, प्रहार, प्रनास, 250 किलोमीटर रेंज वाली आर्टिलरी रॉकेट फोर्स और अग्नि प्राइम जैसे सिस्टम इंक्लूडेड हैं।